तो दोस्तों, आपको पता है कि मैं इस टाइम पाकिस्तान का विजिट कर रहा हूँ। कल आप लोगों को एक एयरपोर्ट दिखाया था जिधर कौन सा वाला सैंडविच मिल रहा था तो आज आप लोगों को दोस्तों एक इंजीनियर से मिलवाता हूँ जिन्होंने मेरे ख्याल से इस्लामाबाद या कराची यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है, और वो क्या कर रहा है, पुल और रोड सड़क वगैरह कैसे बना रहा है। तो मेरे ब्लॉग चलते रहेंगे दोस्तों, आप लोग मेरे साथ रहिएगा ये लोग तो बड़ा घूम लिए हिंदुस्तान, क्या हिंदुस्तान में ये वाली सिटी बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, दिल्ली बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, मुंबई बड़ी अच्छी जगह है, जम्मू कश्मीर बड़ी अच्छी जगह है। तो हमने भी सोचा हम भी पाकिस्तान का विजिट करें। तो इस टाइम दोस्तों मैं पाकिस्तान में हूँ जल रही है ना तो मैं वहाँ का विजिट कर रहा हूँ और वहाँ की बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। वहाँ पर तरक्याती काम चल रहा है, जो तरक्कियाँ हो रही है उसके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ है। आज हमारे पास दो क्लिप है दोस्तों, दोनों सेम टू सेम है लेकिन बंदे अलग अलग है तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो जिसमें आप लोगों को एक इंजीनियर से मिलवाता हूं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सर ये सामने जो है भाइयों, ये कराची यूनिवर्सिटी है। अब ये जो है ना, ये सारे देखिए ये नाले जो है ना यहाँ से तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत एक महान इंजीनियर जो है वो काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हैं उस पर माशाल्लाह से, और जितने सरिये सारे गायब हो रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी की मेन सफूरा की रोड है, ठीक है। तो मैं आपको इंजीनियर से मिलवाता हूँ जो जिन्होंने यहाँ से माशाल्लाह से कराची यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करी है। और ये भाई हमारे लगे हुए, देखिए ना माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो, तबीयत कैसी है, खैरियत से हो। ये भाई हैं, अगर मैं आपको सारा सामान प्रोवाइड करता हूँ, देखो किसी काम का तो है नहीं सरिया, वैसे ही फेंकना है तोड़ना है, आवाम ले जाएगी। अगर मैं ये एक बात है आपको सामान प्रोवाइड कर दूँ, बेलचा हो गया, गहती हो गई, ठीक है, तो अभी कितने दिन में इंटराज हो गए यहाँ से वहाँ तक का? दो तीन मिनट डालोगे, उसके पैसे भी आपको दे दूं तो हो जाएगा काम। कितनी उजरत लोग, दिहाड़ी कितनी लोग, खाली नशा पानी पूरा कर दें और सामान दे दें बेलचा की थी 500 एक दिन का, दो दिन में यहाँ से वहां तक। यानी कि आप ये देखें इसमें ये फायदा है, कोई क्रेन वेन कुछ नहीं, खाली बेलची और गेते देते आपको, ठीक है भाई, ठीक है। हथौड़ा चाहिए आपको, चले हथौड़ा, हथौड़ा इनको हम ये हुकूमत से अपील करते हैं भाई, हथौड़ा वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अभी इनके पास नाश्ते के पैसे भी नहीं, अभी ये जो आप मेहनत कर रहे हो नशे के लिए, नाश्ते के लिए, कि सुकून से फिर काम नाइट में दोबारा कर सको, यही है भाई। चलें चलें, ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला इसकी बात करता हूँ जी। मैं बिल्कुल बिल्कुल यार, हम इनकी हेल्प भी करेंगे, क्यों नहीं, ये भाई हैं हमारे, और इनसे जो हम कॉन्टेक्ट भी करेंगे। दो दिन में सारा तोड़ना है, सारे सरियेवर ये सब ये गायब करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये ले भाई, ये आप रखें, ठीक है भाई। माशाल्लाह से बहुत मेहनती है इंजीनियर है, सामने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन्होंने दुआ भी दी है माशाल्लाह, क्या बोला भाई, अल्लाह खुश रखे। बस सही, आप काम जारी करें, जल्द से जल्द करें, क्योंकि तरक्याती काम है, बहुत मुश्किल हो रही है। आशिक है ये, आशिक ये हम दीवाने इश्क करते हैं, चीज आशिक है भाई, बस ये इश्क में आगे जल्दी से तोड़ दो, दो दिन में निपटा देना। आशिक है, दुनिया दीवानी है, मैं आशिक हूँ। ठहरो, मांगी तो तुमने मेरी जान ही है, लेकिन जो मेरे प्यार का दावा ना साबित कर सके वो जान किस काम की। ये बस सही है, सही है, आप ये करें, आप इसको तोड़ें जल्द से जल्द। आपके पास तोड़ने का सामान क्या है वैसे, इससे तोड़ना आप, यार कितनी मुश्किल आ रही होगी आपको यार। चले मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा वगैरह आपको अरेंज करवाएं, ठीक है, सुबह इंशाल्लाह करवाते हैं, ठीक है। तो सर ये 500 में डन हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा इसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया माशाल्लाह, देखे ना आप, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तोड़ देगा, और बाकी का इसने वैसे ही तोड़ के सही गायब कर लिया। नीचे से लेके ऊपर तक हर बंदा इस मुल्क को खाने में लगा हुआ, अल्लाह बेड़ा घर करे उन लोगों का जो हमारे मुल्क को इस हालत में और इस नौबत में छोड़ गए। देखे ना आप, सारे सरिये काट के ले गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, वो लगा हुआ है, उसको पता नहीं है कि वो आशिक है, शराबी है, नशा। ये वीडियो आप लोगों ने देख ली, ये बंदे पैसे बनाने के लिए कराची के जो साइडों पे जो क्या बोलते हैं, जो फुटपाथ होते हैं क्या बोलते हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसके अंदर से लोहा सरिया निकाल के उसे बेच रहे हैं। तो क्या कहें, गरीबी इतनी बढ़ गई है, उस गरीब की क्या उसमें उसका कसूर है भाई। जब ऊपर इतने बड़े चोर बैठे हुए हैं, जब गरीब को रोटी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, आटा नहीं मिलेगा, तो नशा नहीं मिलेगा, तो गरीब कहाँ से पैसे लाएगा भाई, गरीब को नशा तो चाहिए ना भाई अब बहुत सारे लोग बोलते कि भाई चलो रोटी खाना तो मिल जाएगा, भाई वो तो मिल जाएगा, नशा भी तो चाहिए ना यार नशा भाई अलग ही नशे हैं भाई तो ये है कराची की हालत दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि एक सुपरमैन कराची का एक छोटे से पाइप से दोस्तों उसने पूरे सड़क के किनारे फुटपाथ तोड़ के सरिये निकाल निकाल के बेचे हैं। तो ये है भाई कराची का सुपरमैन,
और ये दूसरे भाई ने उसको 100 रुपए ऊपर से और दे दिए कि ले भाई नशा कर, मस्त काम कर, दबा के थोड़ा भाई। मैं सिर्फ इतना अपील करना चाहता हूँ पाकिस्तान के यूट्यूबर्स से कि भाई आप लोग इतना विजिट करते हो हिंदुस्तान, ऐसे विजिट क्यों नहीं कराते हो हमें, बड़े हरामी हो। हमें ये वाली चीजें नहीं दिखाते हो। लेकिन कोई बात नहीं, फाइनली हम खुद ही आ गए पाकिस्तान देखने के लिए। तो चलें दोस्तों, एक और भी वीडियो है हमारे पास ऐसे ही इंजीनियर की, तो वो भी आपके लिए स्टार्ट करते हैं, जरा उस वीडियो को भी देखिए। जैसा कि नाज़रीन हम सुपर मार्केट में मौजूद है और यहाँ पे कुछ पोल्ट्री जो है अपना लोहा चोरी कर रहे हैं। इधर आओ, वो लोहा चोरी कर, मैं साथ आना। ये लोहा चोरी निकाल रहे हैं, यहाँ पे ठोकर छापकी कर रहे हैं। इन्होंने पूरी खूबसूरती ख़राब कर दी है और ये लोहा निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं ये ठोक रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये ठोक रहे हैं, ये लोहा निकाल रहे हैं, ये देख रहे हैं किसी तरह ठोक रहे हैं ये। अल्लाह बेहतर करे यहाँ के, ये देखें, ये देखो किस तरह निकाल रहे हैं, ये देखें किस तरह निकाल रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये लोहा निकाल रहे हैं, ये लोहा निकाल रहे हैं, ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, ये अपने रखवाले हैं, ये कराची के, ये कराची के रखवाले हैं, ये क्या कर रहे हो भाई जान, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप, या तो ये पूरे पूरे कराची की खूबसूरती बेकार कर रहे हैं ये। हाँ, शर्म नहीं है तुम्हारे को, इनको शर्म आती है तुम्हें, हैं शर्म आती है, ये खूबसूरती ख़राब कर रहे हो तुम। हाँ इधर आ, तुम्हें शर्म आती है, ये कराची की खूबसूरती ख़राब कर रहे हो तुम, पुल ख़राब कर रहे हो, पुल की शर्म नाम की चीज़ है तुम्हारे अंदर, कौन हो तुम, कौन हो तुम? हाँ इंसान हो तो यहाँ पे इंसान वाले काम करो, जानवर वाले काम कर रहे हो तुम। ये देखो रहे, तुम लोहा निकाल लो, सरिया निकाल लो, या पुल गिर जाए इधर पे किसी के ऊपर, यार कुछ हैरान करो, नशे के खाते तुम कराची की ऐसी की तैसी कर रहे हो। ये तुम कहाँ के रहने वाले हो? कराची। पर ये एक गलत काम क्यों कर रहे हो तुम ये? हाँ सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो ये? यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म है नहीं है? नहीं शर्म नहीं आती, शर्म आती है, 12 बजे आती, 12:15 बजे चली जाती। एक थप्पड़ मारो उसको, मारो 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 मारो, एक थप्पड़ मारो तो सही। अरे पकड़ने की बात छोड़, अपन को कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी? मारो थप्पड़ मारो उसको, मारो मारो। देखो यार किस तरह ही कराची की बर्बादी कर रहे हैं ये लोग, लोहा निकाल रहे हैं, ठक ठक कोई कहने वाला नहीं है इनको, इन्होंने बेड़ा गर्क करवाया इन्होंने, ये कराची की ऐसी की तैसी कर रहे हैं ये। ये देखें ये भाग रहे हैं, ये पुल पे, ये अपना लालू के 10 नंबर पुल है वहाँ पे, ये लोहा निकाल रहे हैं, ठोका ठमकी कर रहे हैं, इनको तो फांसी देना चाहिए, भाग रहे हैं ये, देख रहे हो ये लोग भाग रहे हैं, ये अल्लाह रहम करे। तो दोस्तों आपने ये दूसरी वाली भी वीडियो देखी, वो जो पहले वाली वीडियो थी वो इंजीनियर था, ये रखवाले थे। और वीडियो बनाने वाला उसको बार बार बोल रहा है शर्म आती है, भाई उसने नहीं बोला कि शर्म आती है, रात के 12 बजे चली जाती है। और वो उसको बोल रहा है कि एक थप्पड़ मार दे, अबे खुद मारना इतनी हिम्मत है, दूसरे को बोल रहा है थप्पड़ मार। साले खुद मारते हुए पट रही है तेरी है भूतनी के, बड़ा हरामी है। मैं तो कहता हूँ भाई, ये गरीबों को बोलता हूँ भाई मस्त काम कर रहे हो भाई, मैं तो कहता हूँ इन गरीबों को, मैं कोशिश कर रहा हूँ इन गरीबों को हथौड़ा हथियार वगैरह सब कुछ दे दूँ, बेलचा वेलचा पूरा गाड़ी वाड़ी के लोग जाके पार्लियामेंट के सरिये निकाल के बेच दे भाई। सुबह पार्लियामेंट में लोग आए चाहती नहीं है साला। सुबह पार्लियामेंट में लोग आए, देखे भाई पार्लियामेंट है पर चती नहीं है। मैं तो ये गरीबों को जमा करके ना इनको जबरदस्त तरीके से बड़े बड़े हथौड़े, अमेरिकन हथौड़े खरीद के दूंगा कि भाई ये वाले हथौड़े ले लो और छत से स्टार्ट करो भाई, छत में सरिया ज्यादा होता है। छत उखाड़ दो पार्लियामेंट की सालों की। अबे साले उनको रोटी दो, उनको काम धंधा दो, अपना देश बनाओ, तब जाके ये गरीब लोग क्या करें, ये गरीब लोग, ये छोटे छोटे गरीब है, नशा कहाँ से करेंगे लोग, नशा कहाँ से लेके आएंगे सालो, नशे के पैसे भी तो चाहिए गरीब को ना, रोटी थोड़ी आटा, अब लोग बोले आटा, आटा तो अपनी जगह है, नशा भी तो खत्म हो गया ना यार। साले पुराने जुराब भी नहीं मिल रहे सूखने के लिए।
अल्लाह हाल दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा कराची विजिट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेरा विजिट कैसे चल रहा है, इंजॉय कर रहे हो या नहीं। अगला विजिट भी दोस्तों आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा कि और क्या क्या मैंने वहां पे देखा है। तब तक के लिए इजाजत दे दोस्तों, बाय बाय।